हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन सेशन। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ कंप्यूटर की फीचर्स पढ़े थे। आज अपन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले क्या आता है? डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स बाय डेवलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड वीडियो गेम्स। कंप्यूटर क्या है कि ये प्रोग्राम्स है, जो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, उसमें नए नए सॉफ्टवेयर एंड वीडियो गेम्स डालते हैं। C++ एंड जावा आर सम पॉपुलर प्रोग्राम्स यूज फॉर डेवलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड गेम्स ऑन कंप्यूटर। अब क्या होता है कि जावा और C++ कुछ पॉपुलर है, जो क्या करती है, वीडियो गेम्स के और नए सॉफ्टवेयर डालती है। इन ट्रांसपोर्टेशन, टॉडी कंप्यूटर्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर प्लेन्स एंड लैंड इन फॉगी एंड स्टर्मी एटमोसफेयर ऑल्सो। द एयरक्राफ्ट हैज अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स विच मेजर द प्लेन एल्टीट्यूड। अब इसमें क्या होता है कि जो टॉडी कंप्यूटर्स है वो किस लिए है कि प्लेन्स जब लैंड होता है उसमें कितने फॉगी फॉग्स और एटमोसफेयर क्या है, उस हिसाब से वो डिसाइड करके बताता है कि प्लेन कहाँ तक है और किस पोजिशन में है। द एयरक्राफ्ट हैज अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स। एयरक्राफ्ट के पास क्या है, सेंसर्स की वैरायटी है। वो क्या करता है, विच मेजर द प्लेन एल्टीट्यूड, जो जो क्या करता है, प्लेन के एल्टीट्यूड को मेजर करता है, उसकी पोजीशन, स्पीड है, हाइट एंड डायरेक्शंस को बताता है। अ कंप्यूटर यूजेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू कीप द प्लेन फ्लाइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब क्या होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्यूटर रखता है, ताकि क्या हो, कंप्यूटर एक एरोप्लेन एक राइट डायरेक्शन में उड़े। इनफैक्ट द ऑटो पायलट फीचर्स हैज मेड द वर्क ऑफ पायलट मच इजियर। अब क्या है, ऑटो पायलट फीचर्स ने क्या किया है, इस वर्क को और ज्यादा इजी कर दिया है, पायलट्स के वर्क को। इन एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर आर ऑल्सो ग्रेट एंटरटेनर्स। मैनी कंप्यूटर गेम्स आर अवेलेबल विच आर लाइक द ट्रेडिशनल गेम लाइक चेस, फुटबॉल, क्रिकेट एंड क्रिकेट एक्सेट्रा। अब क्या है कि कंप्यूटर्स के सबसे अच्छे एंटरटेनर्स भी है, इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स भी होते हैं, चेस, फुटबॉल और क्रिकेट के जैसे। अब इन एजुकेशन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू टीच द डिफरेंट वेज। द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन इज वेरी फैमिलियर एंड रैपिडली इंक्रीजिंग। अब कंप्यूटर का यूज क्या है, जो टीचिंग फैकल्टी स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, टीचर्स इसको यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या हो रहा है, अपना रोल का एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर का रोल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। देयर आर नंबर्स ऑफ मेथड इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैन यूज कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कंप्यूटर क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। अब क्या है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बेस्ड भी बहुत सारे इतने जो अवेलेबल है, विच स्टूडेंट कैन लर्न टू रीड, टू काउंट और टू स्पीक और फॉरन लैंग्वेज। अब क्या, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, कुछ सीख सकता है, कैलकुलेशन वगैरह, नंबर्स पढ़ना और फॉरन लैंग्वेज सीखना। इन बैंक, कंप्यूटर आर यूज इन बैंक टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन थिंग्स सच एज करंट बैलेंस, डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्जेस एक्सेट्रा। कंप्यूटर क्या है, बैंक में भी यूज आता है, जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कैश यूज कर कैश ले सकते हैं, बैलेंस चेक करने में, ओवरड्राफ्ट में। MICR क्या है, इनकोडेड चेक्स कैन बी रीड एंड स्टोर आउट स्पीड ऑफ 3000 चेक्स पर मिनट बाय कंप्यूटर एज कंपेयर टू आवर्स टेकन बाय अ मैनुअल सॉर्टिंग। अब क्या, MICR एक ऐसा इनकोडेड चार्ज आ गया है जिसकी हेल्प से क्या हो सकता है, क्या चेक जो होते हैं उसको अपन बहुत फास्ट स्पीड से 3000 चेक पर मिनट की स्पीड से अपन उसको काउंट कर सकते हैं। जबकि अगर यही काम अगर ह्यूमन करे तो वो क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। इन सिमुलेशन, द कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पीड टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल विच रिक्रिएट्स अ सिस्टम दैट माइट एक्सिस्ट आउटसाइड द कंप्यूटर। सिमुलेशन आर ऑफन यूज टू ट्रेन टू पीपल हाउ टू डील विद सिचुएशंस दैट आर टू डिफिकल्ट। अब क्या होता है कि सिमुलेशंस में कि कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है ह्यूमन के पास, जिसका अपन को पता नहीं होता है कि कैसे उसको ट्रीट करना है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। एक्सपेंसिव एंड डेंजरस टू रिक्रिएट द प्रैक्टिस यूजिंग ऑन रियल।
कि जो चीज अपने ह्यूमंस के लिए करना, एक्सप्रेस करना बहुत हार्ड हो जाता है, उसमें भी कंप्यूटर हेल्प करता है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन अ फ्लाइट सिमुलेशन, अब क्या है फ्लाइट में अगर हो जाए कुछ तो क्या होगा, विच इज यूज टू ट्रेन द पायलट हाउ टू डील विद सिचुएशन दैट वुड बी एक्सपेंसिव एंड डेंजरस टू प्रैक्टिस यूजिंग अ रियल एयरक्राफ्ट। फ्लाइट सिमुलेशन कंसिस्ट ऑफ अ वर्किंग मॉडल ऑन अ फ्लाइट डेक ऑन अ एयरप्लेन। अब क्या होता है कि जो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एरोप्लेन में कुछ हो जाता है तो जिसके कारण से फिर क्या हो जाता है कि उसको उसका अपन को रियल में उसकी अपन को तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है, तो कंप्यूटर उसी काम को इजी बना लेता है। इन होम्स नाउ डेज पीपल हैव कंप्यूटर्स एट होम, लोगों के पास अब घरों में भी कंप्यूटर है एंड इट हैज बिकम अ नेसेसिटी एज होम अप्लायंसेज। अब क्या होता है, ये एक नेसेसरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। चिल्ड्रन प्ले गेम्स, कीप ट्रैक एट द स्टैम्प कलेक्शन, ड्रॉ पिक्चर्स, प्ले म्यूजिक, व्यू मूवीज एंड डू सम सॉर्ट्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। बच्चे क्या कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के काम कर सकते हैं। कंप्यूटर आर फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, मेक होम बजट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स एंड इंटरनेट सर्विसेज टू लर्न एंड इंक्रीज देयर नॉलेज। अब क्या होता है कि बिल बना करके बजट्स को तय करने में, ईमेल्स के लिए और वीडियो चैटिंग और बहुत सब काम के लिए हो घरों पे कंप्यूटर्स इजीली। आज अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, कल अपन इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।